माहौल तो बहुत अच्छा है और माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग गए थे वहाँ पे, काफ़ी जनसमूह आया था, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, हम भी स्टेज पे चढ़ के बहुत सारी बातें की हमने अपने जो है हमारे जो आवाम थी वहाँ की काराकाट की। पब्लिक का रुझान तो है खासतौर से यंगर्सों का ही है और इस समय अगर सच पूछूँ पवन जी का पूरा वहाँ पे लहर है। हाँ, बाकी तो ये अंदर की बात है कि मतदाता अंदर जाके क्या करता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं हम वही बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पवन जी पूरा टक्कर दे रहे हैं, पूरा टक्कर दे रहे हैं। उनके जनता से ही अपील करना चाहूँगा, काराकाट की जनता से, कि आप लोग बहुत सारे पार्टियों को मौका दिया आपने, आप पवन जी को भी मौका दें एक बार, और पवन जी को किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो वो समाज सेवा के लिए गए हैं, तो आप लोग उनको मौका दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि वो जो है आपने जितने नेताओं को चुना उनसे बेहतर होंगे। बिल्कुल सही बात है, नेता कहाँ है, तो सामान्य सी बात है, नेता तो है नहीं नेता तो वो होता है जिसका यही काम ही है, सुबह शाम लेके जो है अपना नेतागिरी करना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, नेता ही बनना है। हारे ना जिधर देखा जिसकी पार्टी बन गई उसमें भी बुलाया चले गए आप, कभी पैसे के लालच में कभी सत्ता के लालच में, तो नेता वो है। आज सच्चा नेता, अच्छा नेता तो वो है कि भाई अगर सचमुच जो समाज सेवा वाला सेवक होता है वो एक ही पार्टी से जुड़ा रहता है, वो इधर उधर पेंडुलम की तरह भागता नहीं, जो पेंडुलम की तरह भागता है वो नेता नहीं है, वो उसका रोजी रोजगार वाला, वो समझ लो कि उसका रोजगार है वो, तो ये गलत है। ये तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को तो देश और समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बेटा लड़ रहा है, जीतेंगे 4 तारीख को रिजल्ट है, 1 को इलेक्शन है। हाँ, अभी बिल्कुल जीतेंगे, हम लोग की शुभकामनाएं हैं और हम लोगों ने उन लोगों के लिए उनके लिए मेहनत भी किया है, और आवाम से भी जो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस बार पवन जी को वोट दें और उनको जिताए। बहुत सारे लोग थे, मैं पवन जी थे, काजल जी थी, मनोज टाइगर जी थे, शिल्पी जी थी, और क्या थे, पाखी हेगड़े जी थी, और बहुत सारी भोजपुरी के सिंगर थी, क्या नाम है, आस्था थी, अनुपमा यादव थी, और बहुत सारे ऐसे काफ़ी लोग थे कि मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी स्टेज पे इतनी क्राउड थी कि एक दो बार तो स्टेज चरचरा भी गया, कसम बता रहा हूँ, तो भगाया गया कि बाकी जो कि जो अननेसेसरी लोग हैं तो उनको हटाया भी गया, काफ़ी भीड़ था और हम लोग आवाम के साथ थे, पब्लिक इतनी थी, पब्लिकों का प्यार इतना मिल रहा था कि पूछिए मत।